कल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओवर हो चुके हैं और आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना एग्जाम दिया और होपफुली आप सभी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि कॉपी चेकिंग की जो प्रक्रिया आप सभी को पता है, मैंने पहले बताया कि वो शुरू हो चुकी है और अच्छी तरह से कॉपी चेक की जा रही है। आज की जो अपडेट वो है कि सीबीएसई इस बार के रिजल्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस करने वाली है, यानी इस बार का जो रिजल्ट क्लास 10 और क्लास 12 के जो मई में डिक्लेयर किया जाने वाला है वो पूरी तरीके से नया रिजल्ट होगा। बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए, या हम ये कह सकते हैं कि पिछली बार यानी पिछली सालों में जो सीबीएसई ने रिजल्ट जारी किया है उस रिजल्ट से इस बार का रिजल्ट बिल्कुल अलग होने वाला है। क्या अलग होने वाला, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज अगर हम बात करें तो इस बार सीबीएसई किसी भी प्रकार का कोई टॉपर लिस्ट जारी नहीं करेगी। यानी फर्स्ट चेंज क्या है कि इससे पहले जो सीबीएसई जो है स्टेट टॉपर लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट टॉपर लिस्ट जारी किया जाता था, अब इस प्रकार का कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है सीबीएसई का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू लिया गया है। दूसरा, किसी बच्चों को परसेंटेज जारी नहीं किया जाएगा कि कोई किसी बच्चे के 75% है, 85% 95% है, ऐसा कोई भी परसेंट जो है सीबीएसई जारी नहीं करेगी। हाँ, बच्चे एडमिशन लेते समय अपने इंस्टीट्यूशन में अपने परसेंटेज को कंक्लूड कर सकते हैं, जोड़कर मार्क दे सकते हैं, लेकिन सीबीएसई किसी भी प्रकार का कोई भी परसेंटेज जारी नहीं करने वाली है। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो है कि सीबीएसई की तरफ से कोई भी ग्रेड सिस्टम जारी नहीं किया जाएगा। यानी जैसे आपको सब्जेक्ट में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड इस तरह से मिला करता था, अब ऐसा कोई भी ग्रेड सीबीएसई जारी नहीं करेगी। आपका जो रिजल्ट आएगा वो केवल पास और फेल और कंपार्टमेंट से ही संबंधित होगा और कोई दूसरी जानकारी सीबीएसई की तरफ से जारी नहीं की जाएगी। ये सारा का सारा निर्णय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लिया गया है। 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च की गई थी उसके तहत ये सारा का सारा डिसीजन लिया गया है। तो ये इस बार के चेंजेस आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 का जो मई में रिजल्ट आने वाला है क्लास 10 और क्लास 12 का। सो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप इस रिजल्ट से सहमत हैं, क्या सीबीएसई को ऐसा करना चाहिए या पिछली बार की तरह ही ग्रेड सिस्टम साथ साथ परसेंटेज और जो है टॉपर लिस्ट डिक्लेयर करनी चाहिए। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताइएगा।